हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो म्यूजिक वीडियो हम लोग देखने वाले वो है कर दो करम बाय नवील शौकत अली एंड फीचर सनम मर्वी। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे जुल जलाल की, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला, रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम अल्लाह, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है, हम तुझी से मांगते हैं, करता है तू ही अता। हाँ, मुश्किलों की कर कुशाई, गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला, रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता अली का मौला, रख लो करम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुर्तजा, या रब्बे औलिया। तू वहदहु ला शरीक लहु, तेरी शान जल्ला जलालुहु। तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को, शहनशाह मिस्र बनाया। भेज के मिस्र में यूसुफ को, यूनस को पेट में मछली के, आयते करीमा पढ़वाया। यूनस को पेट में मछली के,
हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजजा है दिया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजजा है दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। 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 या रब्बे जुलजला, कर दो करम। तो बेसिकली ये कलाम है और मुझे तो काफ़ी पसंद है। इसका जो लिरिक्स है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और जिस तरीके से परफॉर्म किया गया दोनों ही सिंगर ने काफ़ी अच्छी तरीके से गाया है। तो नबील शौकत अली को हमने पहले भी देखा है, जो इंडिया में एक जो टीवी शो हुआ था, जो म्यूज़िक शो, तो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था थोड़ा बहुत। ज़्यादा हमने उतना ज़्यादा म्यूज़िक उनका नहीं सुना है, लेकिन इस गाने में मैंने सुना है तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। उनका जो वॉइस है काफ़ी अच्छा है। उनके साथ साथ जो सनम मरवी थे, उनका तो वॉइस का जो डेप्थ है वो अलग लेवल का है। मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग उनका वॉइस। हाँ, और एक सूफी फॉर्म है जो म्यूज़िक का, जो सूफी फॉर्म होता है, सूफी फॉर्म में गाया गया। और क्योंकि एक कलाम है तो इसमें जो लिरिक्स है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया और सुरीला है। हाँ, और एक मतलब कोई भी जो एक म्यूज़िक लवर है उनको पसंद आया किस तरीके का गाना, क्योंकि ऐसे गाने लोग सुनते हैं जो म्यूज़िक लवर होते हैं, जनरली इस तरह के गाने बहुत पसंद करते हैं, जहाँ पे एक वॉइस टेक्स्चर भी हो, जो म्यूज़िक का जो क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आप देखिए इसमें जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया, जो क्लासिक इंस्ट्रूमेंट का, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो काफी पसंद है। ज्यादा बैकग्राउंड जो सिंगर थे वो भी ताल मिला रहे थे बहुत अच्छे से। वो एक शायद कवाली फॉर्म था, लेकिन ओवरऑल एक सूफी काइंड ऑफ म्यूजिक है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। और नबील शौकत अली को हमने, जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी देखा है रियलिटी शोज़ में, लेकिन ज़्यादा उनका गाना हमने अभी तक सुना नहीं है, थोड़ा बहुत गाना सुना है, लेकिन इस गाने में प्रॉपरली सुना है, मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे लगता है कि ये भी एक काफ़ी टैलेंटेड सिंगर है। हाँ। तो ओवरऑल म्यूज़िक वीडियो काफ़ी पसंद है, आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो आपको कौन सा वीडियो देखना है वो भी आप सजेस्ट कीजिए, और आपको अगर हमारा वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।